साइक्लोन दाना आज रात ओडिशा से टकराएगा, तेज हवा बारिश जारी, 300 उड़ाने 552 ट्रेनें रद्द, बंगाल समेत 7 राज्यों पर असर। रेलवे इस साल दिवाली छठ के लिए 7000 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान के खिलाफ अररिया की सड़कों पर प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी, 5 घंटे तक लगा जाम। यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, सपा ने सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट का किया ऐलान, अखिलेश ने राहुल का हाथ थामे, फोटो किया शेयर। प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ की संपत्ति, पति रॉबर्ट 66 करोड़ के मालिक, भाजपा बोली दोनों ने संपत्ति की गलत जानकारी दी। यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड में अवैध संपत्ति गिराने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में एमबीए के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंसा, राउत बोले हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस बोली कल तक सब साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव में घड़ी सिंबल अजित गुट के पास रहेगा, सुप्रीम कोर्ट बोला बैनर पोस्टर में लिखे मामला कोर्ट में विचाराधीन, 6 नवंबर तक जवाब दे। डीएमके के भारत के नक्शे में अक्साई चीन, पीओके गायब, विवाद बढ़ने पर हटाया। गैंगस्टर अमन साहू लड़ेगा झारखंड से चुनाव, मां ने खरीदा नामांकन पत्र। पुणे में पानी की टंकी गिरी, 5 मजदूरों की मौत, 5 घायल, पुलिस का दावा प्रेशर के कारण टंकी की दीवार टूटकर मजदूरों पर गिरी। अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को जमानत मिली, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था केस। कार नाले में गिरी मां बेटी सहित 5 लोगों की मौत, सरोही में ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे पर टायर फटने से हादसा, 1 महिला गंभीर। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप पर 1000 करोड़ खर्च करेगी बिहार और आंध्र प्रदेश, के रेल प्रोजेक्ट्स को 6798 करोड़ जारी, कैबिनेट बैठक में फैसला। आज फिर 85 विमानों में बम की धमकी, एयर इंडिया विस्तारा इंडिगो की 20, अकासा की 25 फ्लाइट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। कश्मीर के बटगुंड में आतंकियों ने मजदूर पर गोली चलाई, गनबाग में मिली बंगाल के युवक की लाश, लगातार हमलों पर राजभवन में मीटिंग आज। सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार, 5 करोड़ की फिरौती मांगने के बाद माफी मांगी थी, झारखंड के जमशेदपुर में सब्जी बेचता था। भाजपा का नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाने पर मंथन, दिसंबर में नया चेहरा मिल जाएगा, अब तक दक्षिण से 3 अध्यक्ष रह चुके। राधा स्वामी सत्संग व्यास में 2 नाबालिगों से रेप, 1 प्रेग्नेंट हो गई थी, नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म करता था, 65 साल का सेवादार गिरफ्तार। भाजपा ने सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को उतारा, मेरामपुर से रालोद की मिथिलेश पाल को टिकट, करहल से अखिलेश के बहनोई को उतारा।